अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस, एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। डिटरमाइन वेदर एफ ए जी क्रॉस जी गोज टू जी इज ओन टू इफ एफ ऑफ एम एन गिवन है 2m माइनस एन, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एम प्लस एन प्लस वन, मोड एम माइनस मोड एन, एम स्क्वेयर माइनस फोर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी हैज द प्रॉपर्टी डेट ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज बीन असाइंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, के फंक्शन ए जो है वो जब हम उसमें कोई वैल्यू पुट करें तो वो एग्जैक्टली वन आंसर दे, ठीक है, यानी कि ए को कोई वैल्यू असाइन करें तो वो एक एग्जैक्ट वन आंसर ही दे जो बी से कनेक्ट हो। द फंक्शन एफ इज ओन टू इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी कि बी बी से बिलोंग करता हो, ए ए से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर हम ए पुट करें, ठीक है, किसी भी फंक्शन में हम ए पुट करें तो वो आंसर हमें बी के फंक्शन वाला दे, यानी कि हम ए भी एक फंक्शन है बी भी एक फंक्शन है, ए के फंक्शन का कोई भी एलिमेंट अगर पुट करें फंक्शन में, ठीक है, तो वो आंसर बी के फंक्शन वाला दे, ठीक है, ये चीज आपने क्लियर रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे नंबर पे आपने समझना है जी क्या है। जी हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या होते हैं, जी होते हैं होल नंबर्स, यानी कि अगर हमने जी का नंबर भी शो करना है तो हमारे पास जीरो होता है, इस साइड पे पॉजिटिव सारे इंटीजर्स होते हैं, इस साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब जी को जी से मल्टीप्लाई करें, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो ही आए। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तभी आंसर हमारे पास जी में आए, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जी में हमारे पास नेगेटिव सारी वैल्यूज भी होती हैं, पॉजिटिव सारी वैल्यूज भी होती हैं। तो जी क्रॉस जी क्या है कि दो डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करें उसका जो आंसर आए, जब हम उसे पुट करें फंक्शन में, तो वो आंसर भी हमारे पास कोई जी में से ही आना चाहिए, यानी कोई नेगेटिव नंबर आना चाहिए या कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास सबसे पहले मेन चीज है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। यहाँ पे देखें 2m माइनस एन है, अब कोई से दो पेयर ले रहे हैं जीरो और माइनस एक्स। देखें जीरो भी जो है वो बिलोंग करता है जी से, और माइनस एक्स कोई भी एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव है, ठीक है, वो भी बिलोंग करती है जी से। आपने इन दोनों को फंक्शन में पुट किया, ठीक है, देखें एम की जगह जीरो रखा, जीरो को टू से मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया, माइनस एन की जगह रखा माइनस एक्स, तो जीरो माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जीरो प्लस एक्स, जीरो में प्लस एक्स करें तो ये एक्स होगा, यानी कि एक्स पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है और बिलोंग करता है जी से, सो ये हमारे पास ओन टू फंक्शन है। तो हम लिखेंगे द फंक्शन एफ इज ओन टू फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी इंटीजर एक्स बिलोंग टू जी द पेयर जीरो माइनस एक्स बिलोंग जी क्रॉस जी हैज इमेजेस एक्स दिस, जो भी आप यानी कि वैल्यूज लेंगे वो देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, तो परफेक्ट स्क्वेयर हमारे पास कौन से होते हैं? अगर हम स्क्वेयर देखें 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, यानी कि 2 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, काउंटिंग अगर हम देखना शुरू करते हैं, जीरो भी परफेक्ट स्क्वेयर में आ गया है। यहाँ पे हमने स्क्वेयर देखने हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज आप लेंगे तो हमने स्क्वेयर देखने हैं। जीरो अगर आप इसमें पुट करेंगे जीरो आ जाएगा, वन पुट करेंगे वन आ जाएगा, टू आंसर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि आप अगर टू पुट करेंगे तो फोर ही आंसर देगा, कभी भी इसमें पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे आपको टू आंसर नहीं देगा, थ्री आंसर ये आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि अगर आप थ्री पुट करेंगे तो ये आपको नाइन आंसर देगा, यहाँ पे भी आपको थ्री आंसर नहीं देगा, ठीक है, फोर पुट करेंगे तो आपको 16 दे देगा, फाइव कभी भी नहीं आएगा आंसर में। लेकिन जी हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया जी में सारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आनी चाहिए आंसर में, सो यहाँ पे तो नहीं आ सकती, तो यह नॉट ओन टू फंक्शन है, आपके पास ओन टू फंक्शन नहीं है। अब आप आंसर क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिस के वन जीरो का स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का स्क्वायर आपने लिखते जाना है, 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, इस तरह आपने वैल्यूज लिख देनी है, दो लिख लें, तीन चार, जितनी आपको इजीली लगती हैं आप लिख सकते हैं। आगे द फंक्शन एफ इज नॉट ओन टू फंक्शन बिकॉज यू कैन नॉट राइट टू एज अ डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आप इन दोनों का अगर जो है डिफरेंस ले भी लेते हैं तो 9 और 4,
इनका डिफरेंस कभी भी टू नहीं आएगा, ठीक है। वी नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर इन द अबव लिस्ट इज आइदर वन और ग्रेटर देन टू, सो हम कहेंगे कि यह हमारे पास जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। आप इसमें कुछ भी पुट कर लें, जीरो पुट कर लें, वन पुट कर लें, थ्री पुट कर लें, आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखें। मेरी सजेशन ये है, जिस तरह हम एफएससी में एक टेबल बनाते थे, ऊपर वैल्यूज लिखते थे, एम एन की ये वैल्यूज है, नीचे फंक्शन में पुट करके लिखते थे, लाइक दिस। मैं आपको करके बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस तरह देखें, एम को वन लेंगे, एन को वन लेंगे, तो जब आप इसमें पुट करेंगे वन प्लस वन प्लस वन तो आंसर थ्री आएगा। फिर आप m को 2 लेंगे, n को 1 लेंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 आंसर 4 आएगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट यहाँ पे टेबल बना के देख लें, आपके पास जीरो भी आएगा, 1 2 3 4, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। जब आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, जब आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 और 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि आपके पास सारे डिजिट्स जो है वो आंसर में आ रहे हैं। सो हम कहेंगे ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी इंटीजर एक्स बिलोंग टू जी द पेयर ऑफ जीरो एक्स माइनस वन बिलोंग टू जी क्रॉस जी हैज इमेज एक्स। अब इसने क्या किया हुआ है, जीरो और एक्स माइनस वन पुट किया हुआ है इस फंक्शन में, ठीक है। ठीक है, जीरो और एक्स माइनस वन पुट करके देखें, इसमें एक्स माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये देखें, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया तो आंसर एक्स दे देगा, और एक्स कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एम एन है एम मोड माइनस एन मोड। अब एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, जो मोड है ये हमेशा हमारी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। अब इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि z हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज पे आती है, कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगी। सो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखिए हम लिखेंगे क्या, फॉर एवरी इंटीजर x बिलोंग टू z विद x नो नेगेटिव द पेयर ऑफ x 0 बिलोंग टू z क्रॉस z हैज इमेज, यानी कि आप इसमें देखें कोई भी वैल्यू पुट करें, नॉन नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें, हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगा। एंड फॉर एवरी इंटीजर एक्स बिलोंग टू जी विद एक्स नेगेटिव द पेयर, ये आ जाएगा, आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें फिर भी पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे दस फॉर ऑल इंटीजर एक्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बी बिलोंग जी क्रॉस जी सच दैट ए बी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑन टू फंक्शन, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 सारी दे रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एम स्क्वायर माइनस फोर। एम स्क्वायर माइनस फोर देखें, ये हमेशा जो है एम स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू लें, यहाँ पे जीरो से ग्रेटर वैल्यू पुट करें, वो आपको कभी भी नेगेटिव आंसर की तरफ नहीं जाने देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वही then note that so integer smaller than minus 4 के minus 4 से कभी भी small answer आपका नहीं देगा, ठीक है। either image of an element cross b thus the function is not onto function, कि onto function हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पे zero भी put करेंगे, ठीक है, zero put करेंगे तो minus 4 answer देगा, one put करेंगे तो minus 3 answer देगा, two put करेंगे आप तो आपके पास zero answer देगा, three put करेंगे आप तो आपके पास, जिस तरह मैंने आपको कॉलम बनाया उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे और आप देखेंगे कि माइनस फोर से ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगा, यानी कि माइनस फोर तक ही जाएगा, तो माइनस फोर से ऊपर ये कभी भी नहीं जाएगा, इसलिए हम कहते हैं नॉट ऑन टू फंक्शन है। रिजल्ट आपके पास नीचे गिवन है कि फर्स्ट ऑन टू है, नॉट ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू है और नॉट ऑन टू है, आप रिजल्ट में इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन जी क्रॉस जी goes to z is on to if। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शन गिवन है सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, बस यहाँ गिवन है m प्लस n, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m n मोड और m माइनस n। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है n on to function is one whose range is their entire codomain, thus we must determine whether we can write। फर्स्ट जो है एन है, इसमें आप कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो आपको आंसर देगा, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन है। बी है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बी है देखिए, यहां से भी मैं आपको बता देती हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, सो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एम है, अगर 25 रखते हैं तो फंक्शन जो है ऑन टू है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो आप प्लेस यानी कि कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो स्पेसिफिक होती है प्लेस नहीं कर सकती।
आगे है क्लियरली द रेंज कंटेंट नो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ये नो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं रख सकती, सो नो टू ऑन्टू फंक्शन होगी। फिर है गिव एनी इंटीजर एम, वी है वैल्यूज, हम कोई भी वैल्यू रखे फंक्शन में वो हमें आंसर देगी, सो ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे देखे नजर आ रहा है आप एम और एन को कुछ भी रखे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर देगा। यहाँ पे एम स्केयर प्लस एन स्केयर है सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया था एम स्केयर माइनस एन स्केयर में, कि ये डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो स्पेसिफिक वैल्यू देगा, सारी वैल्यूज नहीं देगा। टेबल बना के देखें एम एम में पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव वैल्यूज देंगे तो नेगेटिव आंसर देगा। ये ऑन टू फंक्शन है एन, ये कभी भी हमें नेगेटिव आंसर नहीं देगा। अब कोई भी इसमें वैल्यू पुट कर ले हमें पॉजिटिव आंसर ही देगा, सो ये नॉन ऑन टू फंक्शन है। एम माइनस एन है इसमें आप कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू रखें ठीक है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर्स देगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, वो कह रहा है कंसीडर दिस फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ फंक्शन वन टू वन इफ इट असाइन टू अ स्टूडेंट हिज और हर मोबाइल फोन नंबर, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, फाइनल ग्रेड इन द क्लास, होम टाउन। अब ये हमारे पास वो कह रहे हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं ठीक है, आपने बताना है कि फंक्शन ऑन टू होगा या वन टू वन फंक्शन होगा या नहीं। अगर हम मोबाइल फोन नंबर देखते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर देखते हैं, फाइनल ग्रेड क्लास में देखते हैं, होम टाउन देखते हैं। अब देखिए एक बंदे के एक मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर हमेशा एक ही होता है, आपका कॉलेज में रोल नंबर एक ही है, वो रोल नंबर किसी दूसरे का नहीं है। फाइनल ग्रेड इन द क्लास, क्लास में जब का फाइनल ग्रेड आता है वो भी एक ही होता है, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, कोई ग्रेड आ जाए एक ही होता है। होम टाउन, आपके घर का कस्बा भी एक ही है, आप ये नहीं कह सकते कि आपका घर डिफरेंट कस्बों में है ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं। लेकिन अगर आपके डिफरेंट घर है तो वो डिफरेंट कस्बों में भी हो सकते हैं। अब इनके आंसर देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखें आप, फंक्शन इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन आर मैप टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, कोडोमेन को आप रेंज भी कह सकते हैं ठीक है। अब देखें द फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो स्टूडेंट शेयर अ मोबाइल फोन नंबर विच इज टू बी एक्सपेक्टेड, कि ये वन टू वन फंक्शन है क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही मोबाइल नंबर जो है वो पर्सनल होता है। दूसरा है द फंक्शन इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ नो स्टूडेंट हैव द सेम स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब ये भी वन टू वन फंक्शन है क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। द फंक्शन इज वन टू वन ओनली इफ एंड ओनली इफ नो स्टूडेंट शेयर द सेम फाइनल ग्रेड, अब ये भी वन टू वन फंक्शन है कि आपको मैंने आगे भी बताया है कि एग्जाम में आप एक ही ग्रेड ले सकते हैं। अब द फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन, अब ये भी वन टू वन फंक्शन है कि स्टूडेंट का जो घर का कस्बा है वो सेम नहीं हो सकता, एक स्टूडेंट का एक ही कस्बा होगा, तो ये भी वन टू वन फंक्शन है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कंसीडर दिस फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ टीचर इन अ स्कूल, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फंक्शन वन टू वन इफ इट इज असाइन टू अ टीचर हिज और हर, फर्स्ट है ऑफिस, बी है असाइन बस और चैप्टर वन इन अ ग्रुप ऑफ बसेस टेकिंग स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप, सैलरी सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब देखें एक टीचर का ऑफिस एक हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं ठीक है, सैलरी सोशल सिक्योरिटी नंबर, सैलरी हर टीचर की स्पेसिफिक भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर सबका एक ही होता है, और स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप ये भी जो है। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे, फंक्शन इज वन टू वन इफ इट इज असाइन टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट इनपुट्स, कि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दो डिफरेंट इनपुट देती हैं तो तब भी ये वन टू वन फंक्शन है, सो गिवन फंक्शन विल बी वन टू वन। सबसे पहले टू टीचर हैव नो डिफरेंट ऑफिस, अदरवाइज टू टीचर्स हैविंग द सेम ऑफिस विल बी मैप टू द सिंगल ऑफिस विच मीन्स फंक्शन इज नॉट वन टू वन। अगर दो टीचरों का दो डिफरेंट ऑफिस है तो ये वन टू वन होगा, अगर उनका एक ही ऑफिस है तो ये वन टू वन नहीं होगा। देयर शुड बी ओनली वन टीचर इन अ बस और चैप्टर वन, अदरवाइज टू टीचर्स गोइंग इन द सेम बस विल बी असाइन द सेम बस विच मीन्स फंक्शन इज नॉट वन टू वन फंक्शन। अगर वो दोनों जो है अलग अलग बसेस में जाती है तो ये वन टू वन फंक्शन है, अगर वो एक ही बस में जाती है तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है।
नेक्स्ट है एनी टू टीचर्स डू नॉट हैव सेम सैलरी, दो टीचर्स की एक जैसी सैलरी ना हो तो ये वन टू वन फंक्शन है, अगर दो टीचर्स की एक जैसी सैलरी है तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। फिर है द टीचर शुड हैव डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर, दो टीचर्स के डिफरेंट जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर होते हैं, अगर उनके एक जैसे नंबर हो तो हम कहते हैं वन टू वन फंक्शन नहीं है, लेकिन ये वन टू वन फंक्शन में आएगा क्योंकि दो टीचर्स के हमेशा डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो होते हैं, सेम नहीं होते। रिजल्ट आएगा टू टीचर्स हैव टू डिफरेंट ऑफिस, देयर शुड बी ओनली वन टीचर इन अ बस और चैपर वन, एनी वन टीचर डू नॉट हैव सेम सैलरी, टू टीचर शुड हैव डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है, ये आपका आंसर था। हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने टीचर्स के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच सके जिनके लिए स्टार्ट किया गया है। मेरी आप इससे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा नहीं है तो एक दफा अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं जो मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही और आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।